Hello students, today we will read and learn and discuss also a new chapter, Every Drop Count, from class 5 EVS NCERT, and we will cover a very innovative technique of conserving water, that is rain water harvesting. So let's begin. What is rain water harvesting? Rainwater harvesting is the process of collecting rainwater from surface on which rain falls, filtering it and storing it for multiple uses. बारिश के पानी को इकट्ठा करके उसे फिल्टर करके स्टोर किया जाता है बहुत सारे यूज़ के लिए. सो ये एक न्यू टेक्निक है पानी को बचाने का, रेनवाटर को कंजर्व करने का. Here you can see the image. Rainwater harvesting is an innovative, एक बहुत ही नया और बहुत ही बढ़िया टेक्निक है पानी को बचाने के लिए. जैसे कि आप देख सकते हो, यहाँ बारिश हो रही है, छत पर पानी पाइप के द्वारा एक टैंक में जमा किया जा रहा है और बाद में उसे इरिगेशन सिस्टम यानी खेती में भी यूज़ किया जा रहा है. ठीक है, अंडर दिस technique, here a new technique used as called rooftop rainwater harvesting. Rooftop क्यों कहा जाता है? क्योंकि roof पर बारिश का पानी जमा हो रहा है. और in this method rainwater is collected from the rooftop of the house. पानी को फिर pipe के द्वारा tank में store किया जा रहा है. ठीक है, जैसा कि आप देख सकते हो, यहाँ रेन वाटर छत से पाइप के द्वारा अंडरग्राउंड टैंक में इकट्ठा किया जा रहा है और फिर बाद में इसे गार्डनिंग के लिए और बहुत सारे जगह पे इसे इस्तेमाल किया जाएगा. ठीक है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज अ न्यू टेक्निक टू स्टोर वाटर. वाटर कैन बी यूज फॉर गार्डन एंड क्रॉप इरीगेशन. खेती के लिए यूज़ कर सकते हैं, कपड़े धोने के लिए यूज़ कर सकते हैं, टॉयलेट्स में यूज़ कर सकते हैं. ठीक है, लेकिन पीने के लिए यूज़ नहीं करते हैं. इसके एडवांटेजेस क्या हैं? एडवांटेजेस ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग, फर्स्ट, रिड्यूसेस फ्लडिंग एंड इरोजन. जहाँ बहुत बारिश होती है वहाँ पर मिट्टी बह जाती है और बाढ़ भी आ जाता है, तो उससे की रक्षा होती है, मतलब मिट्टी के कटाव को रोका जाता है. अगर पानी हमें बारिश से मिल जाए तो हमारे वाटर बिल्स भी कम हो जाएंगे. रिड्यूसेस डिमांड ऑन ग्राउंड वाटर. जो ज़मीन के नीचे का पानी होता है उसे कहते हैं ग्राउंड वाटर. वो ग्राउंड वाटर का डिमांड भी कम होगा तो पानी सेव होगा. एंड लास्ट, कैन बी यूज फॉर नॉन ड्रिंकिंग पर्पजेस, यानी कि बहुत सारी जगह पर इस पानी को यूज़ किया जा सकता है. देखा आपने कितने सारे एडवांटेजेस हैं. द बेस्ट गिफ्ट यू कैन गिव टू कमिंग जनरेशन इज वाटर. आने वाली पीढ़ी को अगर कुछ दे सकते हैं तो हम दे सकते हैं पानी. तो प्लीज़ कंजर्व वाटर, कंजर्व लाइफ. थैंक यू चिल्ड्रन, थैंक यू सो मच.